1963 में सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध निर्माण के चलते गोविंद सागर झील की जद में आने से जहां पुराना बिलासपुर शहर पानी में डूब गया था, तो वहीं सैकड़ों मंदिर, घर, राजा का महल व स्कूल झील में समा गए थे। जिसके बाद शहर के लोगों को ऊंची पहाड़ी पर दोबारा बसाया गया। वहीं पुराने बिलासपुर शहर को डूबे हुए 61 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बिलासपुर के लोगों की आस्था का केंद्र उन प्राचीन मंदिरों को पुनः स्थापित करने के नजरिए से अब कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जा रही है। वहीं इन मंदिरों के पुनर्स्थापन के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान दी थी। और सीएम जयराम ठाकुर ने एडीबी से 100 करोड़ की पहली किश्त भी देने की बात कही थी। वहीं इस घोषणा के बाद एलएनटी की टीम बिलासपुर पहुंच गई है और मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि पता चल सके कि मंदिर कहां कहां डूबे हुए हैं। इसके साथ ही जमीन की टेस्टिंग रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, ताकि मजबूत जमीन पर इन मंदिरों को दोबारा स्थापित किया जा सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने कहा कि झील में डूबे प्राचीन मंदिरों के पुनर्स्थापन के लिए एक प्रोजेक्ट आया है, जिसकी डीपीआर बनाने की जिम्मेवारी एलएनटी को सौंपी गई है। इससे पहले एलएनटी की टीम ने फील्ड विजिट कर रेवेन्यू संबंधी सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। वहीं अब बैंगलोर से आई टीमों ने मशीनों के जरिए ड्रिलिंग कर टेक्निकल डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट से संबंधित डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। जो ये मंदिर हैं, जैसे आप सभी को मालूम है, ये डूब गए थे, उनकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, और उसके लिए एक प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ है, जिसमें डीपीआर का काम जो है वो एलएनटी को दिया गया है, और एलएनटी की टीम जो है इसमें पर बिलासपुर में आती हैं, वो डेटा कलेक्ट करती हैं। कुछ दिन पहले इनकी टीम आई थी, जिसमें इन्होंने यहाँ के रेवेन्यू का सारा डेटा लेके गए थे, जिसमें फील्ड विजिट भी हुआ था और मैं भी उसमें उपस्थित था। अभी जो टीमें काम कर रही हैं, कुछ मशीन्स लेके आई हैं, वो ड्रिलिंग कर रही हैं, और वो जो टेक्निकल डेटा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, क्ले की स्ट्रेंथ क्या है या सैंड की स्ट्रेंथ क्या है, वो लेके जा रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये डीपीआर जल्दी तैयार हो जाए। ये इमोशनल इमोटिव इशू है बिलासपुर के लोगों के लिए, क्योंकि जो सारे मंदिर थे वो डूब गए थे, और इसकी रेस्टोरेशन एक बड़ी चीज़ है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी रेस्टोरेशन जल्दी से जल्दी हो पाए।